और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व तीसरी सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत मेगास्थनेस यहाँ प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है, जो कि तत्कालीन रोम से कम 2 गुना बड़ा है। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लगभग 570 बुर्ज हैं और आने जाने के लिए 64 दरवाजे बने हुए हैं। शहर के चारों ओर सुरक्षात्मक खाई है। लोगों की जो शानो शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य महापंडित चाणक्य। सिकंदर के आक्रमण को न केवल रोक लिया गया है बल्कि उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर पुरु के हार का बदला भी दे दिया गया है। खैबर से लेकर बंगाल तक शासित ये प्रदेश ही पहली बार भारत का मानचित्र बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे। सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा। जहां लोग दीवारों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं उसने अपने शासन का विस्तार 84,000 स्तूप बनाकर किया। सचमुच अद्भुत थी राजा अशोक की सोच और ये कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धर्म चक्र को ईसापूर्व की कहानी। अब हम चलते हैं प्रथम शताब्दी के उस काल में जब वाल्मीकि रामायण का पुनर्गान और महाभारत का पुनर्पाठ हो रहा था। वैदिक संस्कृत पाली तथा प्राकृत मरणासन्न दौर में पहुंच चुकी थी और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत का अभूतपूर्व विकास कर चुके थे। मजे की बात यह है कि संस्कृत का केंद्र अब तक्षशिला से हटकर मगध आ गया था। अब संस्कृत यहाँ के विहारों में ज्ञान का माध्यम हो चुका था। गणित, विज्ञान, चिकित्सा सब कुछ संस्कृत में थे। शिल्प मार्ग का विकास हो चुका था और एशिया के विभिन्न देशों से लोग यहाँ खींचे चले आ रहे थे। मगध आते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहाँ के शहरों में खूब वैभव है, लोग दान दक्षिणा में आगे हैं, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं है, बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं। और अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी ध्रुवी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब
राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भक्त की, सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट, संस्कृत साहित्य का महान नाटककार गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। अरे ये क्या, सातवीं सदी का दृश्य देखिए। चीन से हुए इंसान पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांग कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तिल्हारा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। और ये देखिए 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ्य धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में बहुत ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे और इस सिलसिले में अगली खड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह खान पास ले आए थे। मनीर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासन काल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सब जन मीठा के उद्गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ रहती। नालंदा विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए।